स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल। ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो बुक आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कम्पिटेटिव स्टूडेंट के लिए। तो आज हम इसका पहला लेसन शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो मेरा पहला प्रश्न है आज का, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक, देखो वैसे अगर मीन्स पढ़े होंगे आप लोग कहीं पर, तो भूगोल शब्द का उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो वो होता है इरेटोस्थनीज। फादर ऑफ भूगोल पूछा जाए तो आप बोलोगे इरेटोस्थनीज, लेकिन अगर भूगोल का जनक पूछा जाए तो वो कौन होता है? हिकेटियस। हिकेटियस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं इसमें। हिकेटियस। नेक्स्ट हमारा, भूगोल को एक अलग अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो वो जाता है इरेटोस्थनीज को। हर एक जगह आपको भूगोल का मीन्स जो अच्छी बात होगी मीन्स भूगोल का फादर, भूगोल का ये सब में आपको इरेटोस्थनीज मारना है, लेकिन जहाँ पे भूगोल का जनक होगा वहाँ पे बस आपको हिकेटियस मारना है। ठीक ना, ये कंसेप्ट डाल लो अपने दिमाग में। नेक्स्ट है हमारा, भूगोल के लिए ज्योग्राफा मीन्स ज्योग्राफी जो होता है, तो ज्योग्राफा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो भी किसने किया? इरेटोस्थनीज ने, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम ही था ज्योग्राफिका। नेक्स्ट है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा। तो भूगोल की परिभाषा क्या है? तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? मीन्स ये बोल दे रहा हूँ, वारेनियस थे जिन्होंने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी को मेनली, जैसे सोलर सिस्टम में क्या है, बीच में सन मानते हैं हम लोग, सन है ही, लेकिन उस टाइम में भूगोल का जो अगर अध्ययन किया जाएगा तो उसमें पृथ्वी को ही केंद्र माना गया। ठीक ना, सेंटर पे अर्थ था और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अध्ययन किया, तो इसको किसने कहा? वेरेनियस ने कहा। नेक्स्ट है, भूगोल भूतल का अध्ययन है मीन्स लेयर ऑफ अर्थ जो है, तो उसका अगर अध्ययन करेंगे तो वो भूगोल है, ये किसने कहा था? कांट ने कहा। देखो जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी भूगोलविद थे, तो उन्होंने अपना अपना तर्क दिया था, तो जो भी महत्वपूर्ण थे तो उन लोगों का डिफिनेशन हमें याद करना है। जैसे कि कांट के शब्दों में क्या था, भूगोल क्या है? भूतल का अध्ययन है। एमिनल कांट इनका नाम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। फिर भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियमितवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो ये कौन है? ग्रेफिट टेलर। ग्रेफिट टेलर। नेक्स्ट है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, या फिलोसफी पढ़ोगे वहाँ भी आपको ये प्रश्न आ जाएगा, जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन ने कहा था वर्तमान क्या है? भूत की पूंजी है। फिर स्थल रूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? तो W.M. Davis। स्थल रूप संरचना जो है पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, किसका है? W.M. Davis। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? निम्नलिखित कथन में से किस विद्वान का है? मीन्स कार्ल सावर के शब्दों में कहा गया था कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जैसे मीन्स हम लोग साइंस में पूछते हैं ना कि ये कैसे बनता है, ये सोचना होता है, तो अगर हम ये पता लगाएं कि कब से बना, जैसे मान लो आप धरती का कोई मिट्टी उठाते हो और उसमें कब शब्द जोड़ो, वेन, ये हुआ कब था, तो ये अगर जोड़ के आप उसका अध्ययन करोगे, तार्किक अध्ययन करोगे, एनालिटिकल, तो किसका अध्ययन है? वो कार्ल सावरकर। जैसे आप बहुत पढ़े होंगे कि साइंस का जो उद्भव हुआ है ना, वो ये कैसे हो रहा है, कैसे से हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी का क्या है, क्यों हो रहा है मीन्स कब से हो रहा है, तो इसका पता लगाना क्या है? ज्योग्राफी है, ये कार्ल सावरकर का कहना है। फिर है भू आकृति विज्ञान मीन्स जियो मॉर्फोलॉजी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पेसेल को जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ज्योग्राफी की बात हो तो ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट है, रुको और जाओ नियतिवाद मीन्स स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा का प्रतिपादन कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने का सिद्धांत कौन सा है? तो H.H. Burrows। H.H. Burrows। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा है? तो थेल्स।
भूगोलीय गणित है, ठीक ना, जैसे अंतरिक्ष का दूरी मापते हैं तो इस सब टाइप का, जैसे प्रकाश वर्ष है। अच्छा प्रकाश वर्ष किसका मात्रा का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस टाइप का जो गणितीय होता है, तो इसका खोज कौन किया था, थेल्स। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, जीन ब्रुंस। इन्होंने कहा कि हम लोग पृथ्वी पर निर्भर है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग जहाँ रहेंगे क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग हम लोग निर्भर हो जाएंगे उस पर। तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर निर्भर है, ये किसने कहा, जीन्स ब्रुंस। नेक्स्ट है क्षेत्रीय भूगोल मीन्स रीजनल ज्योग्राफी के पिता निम्न में से किस भूगोलवेद को माना जाता है, तो कार्ल रीटर। रीजनल ज्योग्राफी है, ठीक ना, कार्ल रीटर। फिर मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है, मानव भूगोल कौन है, ब्लॉस। नेक्स्ट है मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है, तो कू सैंपुल। तो ये था इस लेसन का एंड। देखो थोड़ा नाम याद करना तो मुश्किल होता ही है, पर इसको अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लोगे ना, एक बार और देख लोगे, तो आपको क्या होगा, ये मतलब सुना लगेगा, तब आपको अगर ऑप्शन में आएगा तो आप आसानी से इसको टिक कर पाओगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करके मुझे बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं तो वही मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।